जैसे ही पेरिस में लैंड हुआ और फिर एयरपोर्ट से आई वॉज गोइंग टू माई होटल, तो जो सबसे कमाल की चीज मुझे पूरे रास्ते में लगी, इट वॉज दिस बिल्डिंग ऑफ नॉट्रडेम, द ब्यूटिफुल वंडरफुल कैथेड्रल विच वॉज मेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी. एवरीथिंग अबाउट दिस बिल्डिंग, एवरीथिंग अबाउट नॉट्रडेम इज Come, look at me. Look at what wonderful, huge building this is. Look at what wonderful things human beings can create if God is on their side. It is not like other temples or mosques. There is not much austerity. मतलब ऐसा बहुत शांत और उस टाइप का माहौल नहीं है. It is very grand. It's very glamorous. कि देखिए Christianity का वैभव क्या है. क्या कमाल की building हम बना सकते हैं. It's like that. नॉट्रडेम का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो उसका डोम है, जो बहुत फेमस है, उस डोम से छन के अंदर लाइट आती थी. तो इस साल अप्रैल 2019 में अनफॉर्चुनेटली वहां आग लग गई. द आइकॉनिक स्पायर ऑफ नॉट्रडेम कैथेड्रल दैट हैज स्टूड फॉर सेंचुरीज कोलैप्सिंग जस्ट बहुत सारे आर्ट लवर्स पूरी दुनिया में, सबको बहुत धक्का लगा, सबको बहुत दुख भी हुआ कि इतने खूबसूरत बिल्डिंग, उसका सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो जल गया, टूट गया, बर्बाद हो गया. लेकिन फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उसको फिर से बनाया जाएगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छे, पहले से भी अच्छी शान के साथ उसको बनाया जाएगा. तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट की. अब वो कॉम्पिटिशन ऐसी है, नॉट्रडेम का ऊपर का हिस्सा जो नया अभी फिर से बनना है वो कैसा होना चाहिए. तो मुझे जिन्होंने पेरिस आसपास थोड़ा दिखाया, थोड़ा बहुत घुमाया, मुझे पेरिस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, उनका नाम है मिस्टर क्रिस फ्रेंडली. उनका नाम ही है फ्रेंडली. बड़े फ्रेंडली किस्म के इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, जो सबर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, पढ़ाते हैं वहां पर, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी उनके साथ में. तो क्रिस फ्रेंडली को मैंने पूछा कि क्रिस, अगर आपके मन में डिजाइन हो नॉट्रडेम का नया, तो आप क्या बताना चाहेंगे, आप कैसी बिल्डिंग वापस बनाना चाहेंगे नॉट्रडेम को. तो क्रिस ने मुझे कहा, उस वक्त उसका काम था, जो फंक्शन था उस बिल्डिंग का, वो ये था कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो आज के जमाने में अगर आप बनाना चाहें ऐसा कुछ, तो क्या बनाएंगे. तो क्रिस ने बताया उनका आइडिया, बड़ा कमाल आइडिया. क्रिस का कहना है कि ये नॉट्रडेम की बिल्डिंग है, उसकी दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पे सायन नदी है. तो उन्होंने कहा एक बड़ी सी वाटर स्लाइड बनानी चाहिए कि एक तरफ साइन के हिस्से से आप ऊपर जाएं और नॉट्रडेम के टॉप पे पहुंचे और फिर वहां पे एक बड़ी सी वाटर स्लाइड और वहां से छपाक लगाते हुए स्लाइड पे आते हुए आप सीधा सायन नदी के अंदर आके जंप करें और गिरें. ऐसा कमाल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस जो आप एक बार करें तो दोबारा भूल ना पाए. ऐसी कमाल की वाटर स्लाइड वहां पे बनानी चाहिए. तो ये क्रिस का आइडिया है, मुझे लगता है बहुत कमाल आइडिया है. ऐसा ही कुछ बनाना चाहिए, कुछ कमाल, कुछ ऐसा कि जो आपने सोचा ना हो और वो जाए, एक बार आदमी को एक्सपीरियंस करे तो कभी भूल ना पाए. अगर हमारे बॉलीवुड को दे दिया जाए तो क्या होगा. मान लीजिए संजय लीला भंसाली साहब डिजाइन कर रहे हैं नॉट्रडेम, पर्दे ही पर्दे उड़ेंगे वहां पे हवा में, चारों तरफ से लंबे लंबे बड़े बड़े पर्दे, 50-50 फुट के पर्दे उड़ेंगे. अगर रोहित शेट्टी साहब को दे दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करेंगे, नॉट्रडेम के ग्राउंड फ्लोर से गाड़ियां उड़ेंगे और ब्लास्ट करके ऊपर तक जाएंगी. अगर अनुराग कश्यप साहब को कहा जाए डिजाइन करने के लिए, तो वो क्या कहेंगे. आई थिंक अनुराग भाई कहेंगे कि भाई ये जो जल गया है, जो भी है, ये इसकी रियलिटी है, इसको ऐसा ही रहने दो, इसको कुछ चेंज मत करो, ये जला फूटा जैसा है वैसा ही ठीक है, दैट इज द रियलिटी. मेरे लिए मेरी पेरिस की ट्रिप बड़ी यादगार थी, क्योंकि मैं नॉट्रडेम गया और अंदर से नहीं लेकिन बाहर से ही सही, क्योंकि अंदर रेनोवेशन चल रहा था, ऊपर तक जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से ही मैं जितना देख पाया मुझे बहुत अच्छा लगा.